नयन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बाबू? व्हीट स्टोन ब्रिज एक सर्किट है जो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कौन कॉन्सेप्ट है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? और तीसरा इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, ये तीन चीज़ अगर हम लोग समझेंगे तभी हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। कुछ लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो समझते हैं, पोटेंशियल नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तब हम लोग सीखेंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को तुरंत 2 मिनट के अंदर सब समझ जाएंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है? जैसे एक बैटरी है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है। तो 5 वोल्ट का बैटरी का मतलब इस बिंदु का पोटेंशियल और इस बिंदु का पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का। जैसे ये प्लस पे है यानी ये माइनस पे है, तो माइनस की तरफ में एक बार बताए थे कि बैटरी में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा होता है माइनस प्लेट पे, तो माइनस पोटेंशियल पे हो जाता है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है तो प्लस पोटेंशियल पे हो जाता है। तो जो प्लस पोटेंशियल पे है और माइनस पोटेंशियल पे है, तो ये दोनों का डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो इस बिंदु का कुछ पोटेंशियल होगा। क्या होगा? पोटेंशियल। और इस बिंदु का भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो हम लोग का जो करंट बहता है वो पोटेंशियल के कारण नहीं बहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बहता है। जैसे अगर ये 10 वोल्ट पे है और ये भी 10 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है? माइनस करके देखो डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट का। यानी कि ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो इसके चलते कोई करंट नहीं बहेगा। अब समझो कि अगर ये 10 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, मतलब ये पॉइंट 10 वोल्ट पे है, ये पॉइंट 12 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2 वोल्ट। तो बैटरी में ये नहीं लिखेगा, चुपचाप केवल 2 वोल्ट लिख देगा। तो 2 वोल्ट के हिसाब से ही करंट हम लोग का बहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ही करंट बहता है, लेकिन हर बिंदु का अपना एक पोटेंशियल होता है। तो जैसे ये बैटरी 5 वोल्ट पे है, तो हो सकता है कि ये 7 वोल्ट पे हो और ये हो 2 वोल्ट पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो जितना सर्किट जो रहता है बाबू, उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखते हैं, पोटेंशियल नहीं लिखते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, पोटेंशियल लिखा हुआ, अगर ये 5 वोल्ट, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ भी 5 वोल्ट, तो दोनों बराबर पे है, दोनों इक्वी पोटेंशियल पे है। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। ये बिंदु और ये बिंदु इक्वल पोटेंशियल पे है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स जो होते हैं वो दोनों बराबर पोटेंशियल पे होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में कुछ होता नहीं है, तो उसके बीच में कोई करंट बहेगा नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग का बना है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है बाबू, तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक सर्किट बना हुआ था जिसको व्हीट स्टोन नाम के ही एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। तो उसमें क्या होता है? 4 रेसिस्टेंस रहता है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 रेसिस्टेंस ऐसे ही रहता है बाबू। इसके अलावा एक और बीच में जुड़ा हुआ यहाँ पर रहता है,
रेसिस्टेंस लिखना है तो रेसिस्टेंस लिख दो, वैसे ये फिलहाल अभी एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पूछेगा क्यों लगाएंगे, हमको चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए बस गैल्वेनोमीटर हम लोग लगाए हैं। बस इसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे कि यहाँ से करंट निकल रहा आई, तो ये दो भाग में बढ़ जा रहा है, और यहाँ पर आने के बाद फिर दो भाग में बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से आने पर ये भी दो भाग में बढ़ के फिर इधर से निकल जा रहा आई। हम लोग क्या करते हैं कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे करते हैं वो खैर हम लोग बाद में जानेंगे। तो बैलेंस जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाता है, और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा बाबू, तो अभी हम क्या बताए थे कि इक्वी पोटेंशियल पे हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, करंट नहीं जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट जाएगा नहीं जाएगा, मान लीजिए ई बी प्लस पाँच वोल्ट पे है, ई बी प्लस पाँच वोल्ट पे है पोटेंशियल, तो प्लस पाँच प्लस पाँच, तो डिफरेंस कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो इसमें करंट जाएगा नहीं जाएगा। तो जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे होता है, चलो नाम लिख देते हैं, ये ब्रांच का नाम है बी और सी। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो करंट बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा, जीरो। करंट बिटवीन बी एंड सी इज जीरो। तो जब ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब ये और ये इक्वी पोटेंशियल पे हो गया, तो बीच में कोई करंट जाएगा नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा ब्रिज बैलेंस हो गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर का जो सुई होता है ये सीधा हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का सुई सीधा हो गया, तब तक हम बैलेंस किए जब तक ये सीधा ना हो जाए, सीधा हो गया तो हमारा इक्वी पोटेंशियल पे आ गया और इसमें कोई करंट नहीं है, यानी ये ओपन सर्किट की तरह अभी फिलहाल बिहेव करेगा, यानी यहाँ पर समझो कुछ नहीं। अब बस बैलेंस कंडीशन में हमारा यही सर्किट रहता है बाबू, तो यही सर्किट रहता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है आई वन, वही करंट यहाँ से भी जाएगा, इसमें कोई बटेगा नहीं। शुरू में जब बैलेंस नहीं था तो यहाँ पर बट रहा था, लेकिन अब बैलेंस है तो बैलेंस रहने पर आई वन यहाँ निकला तो यहाँ पर भी कितना निकलेगा आई वन, और इधर आई टू गया तो यहाँ पर भी कितना जाएगा आई टू। अब अगर बैलेंस नहीं रहता तो फिर इधर भी कुछ करंट जाता तो यहाँ पर करंट केसीएल के हिसाब से बढ़ जाता, अभी फिलहाल बैलेंस है तो बैलेंस में क्या हो जाएगा, दोनों जगह यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। तो अब इसका नाम मान लीजिए पी है, इस रेसिस्टेंस का नाम क्यू है, इसका आर है और इसका एस है, ठीक है बाबू। तो इसमें हमको पता चलेगा यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वही यहाँ से यहाँ का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वी पोटेंशियल, यानी ये दोनों एक ही के जैसा है। तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज एक ही बराबर रहेगा, तो बताते यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है आई वन पी, और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है आई टू आर, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है भाई रेसिस्टेंस बता दो उसमें करंट बता दो, तो आई वन पी है और यहाँ से यहाँ का आई टू आर है, ठीक है बाबू। तो ये हो गया इक्वेशन वन, और उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक है बताए इक्वी पोटेंशियल पे, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज, या ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच का वोल्टेज, दोनों तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना है आई वन क्यू, आई वन क्यू बराबर कितना रहेगा आई टू एस, आई टू एस, ये हो गया दूसरा इक्वेशन बाबू। हमको समझ में आ गया, ये जब इक्वी पोटेंशियल पे होता है तो यहाँ का करंट और यहाँ का करंट सेम रहता है, यहाँ और यहाँ का करंट, और यहाँ करंट सेम रहता है, इसका वोल्टेज सेम रहता है, इसका वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है बाबू। अब इसको जो है मैथमेटिक का इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ भागा दे देंगे वन बाई टू,
तो क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ भागा दे दिए, तो पी बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई एस। तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो पी बाई क्यू जो है वो आर बाई एस के बराबर होता है। तो जब ये रेसिस्टेंस का और ये रेसिस्टेंस का बटा में, ये रेसिस्टेंस का रेशियो ये रेसिस्टेंस का रेशियो बटा में बराबर हो जाएगा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो वैसा में क्या होगा, मान लीजिए कोई एक रेसिस्टेंस नहीं दिया है, जैसे पी नहीं दिया या क्यू नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं बाबू, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। तो जैसे अगर तीन रेसिस्टेंस हमको मालूम है, पी क्या है नहीं पता है, पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ गुना कर दो क्यू आर बाई एस। मान लीजिए हमको क्यू नहीं मालूम है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा ऊपर ले जाओ क्यू आर बराबर पी एस, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी एस बाई आर। मैथमेटिक्स से कैचिया गुना कर दो, अब जिसको वैल्यू निकालना है उसका निकाल दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि गौतम सर कहाँ चले गए और अचानक राज सर आ गए व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो देखो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे ना, बैटरी काफ़ी डाउन था, अचानक बैटरी पूरा पूरी डेड कर गया और मेरा छोटा भाई का आज तक का ही छुट्टी था, उसको निकलना पड़ गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आगे जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है, किस टाइप का इससे क्वेश्चन आता उसको मैं करा दे रहा हूँ और इस टॉपिक को ख़त्म कर दे रहा हूँ। देखो बाबू, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि तुम खुद समझो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है, तो ये दोनों का वोल्टेज सेम है बाबू। तो वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालते हो, ओम्स लॉ से भी बराबर क्या आता है बाबू, आई आर, वोल्टेज ऐसे निकलता है ना। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, आई इसका है आई वन और रेसिस्टेंस पी दिया हुआ, तो पी आ रहा बात समझ में, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, आई की जगह आई वन और रेसिस्टेंस कितना है पी, तो पी, तो ये हो गया वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका भी फॉर्मूला भी बराबर आई आर, तो इसका आई कितना है बाबू, आई टू है, आई टू, और इसका रेसिस्टेंस कितना है बाबू, आर है, तो आर रहने दो, यानी हो गया आई टू आर। इसका वोल्टेज कितना निकलेगा बाबू, मतलब ओम्स लॉ लगाना है, ये जो आई वन क्यू है ये वोल्टेज है, वोल्टेज कैसे है ये वी बराबर आई आर, तो इसका आई देखो कितना है आई वन और रेसिस्टेंस कितना है क्यू, तो आई वन क्यू। आ रहा बात समझ में, ये कहाँ से आया था समझ में आपको आ गया होगा उम्मीद है। अब करना क्या है बाबू, इससे कैसा न्यूमेरिकल आता है, कैसा न्यूमेरिकल आता है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और अगर ये पॉलिटेक्निक का एंट्रांस में देता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख कर आंसर करते, वो भी कैसे वो भी समझाते हैं। देखो बाबू, चार रेसिस्टेंस में तीन रेसिस्टेंस आपको दिया पड़ेगा, चौथा आपको निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये जो पी है ना ये दिया हुआ मान लो दो ओम, और ये जो क्यू है ये जो रेसिस्टेंस है ये दिया हुआ है 6 ओम, और ये जो आपका आर है ये दिया हुआ सपोज करो 3 ओम। तो आपको बताना है एस का रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आपको बताना है। किताब पी क्यू आर एस माना था बाबू, इसलिए पी क्यू आर एस माने, हमको तो ज़्यादा अच्छा रहता रेसिस्टेंस को मान लेते आर वन आर टू आर थ्री आई फोर, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि किताब पी क्यू आर एस मानता है तो गौतम सर भी पी क्यू आर एस ही आपको बताए। तो हमको क्या निकालना है, पहला रेसिस्टेंस 2 ओम, एगो है 3 ओम, एगो है 6 ओम, चौथा आपको निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला से सीखे थे कि पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, यही सीखे थे, यही था रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। जल्दी बताओ पी कितना है 2 ओम, तो लिख दो 2 ओम, लिखना जरूरी है नहीं। क्यू कितना है बाबू, ये वाला था पी, ये वाला था आपका क्यू, ये था आपका आर, ये था आपका एस, तो पी बाई क्यू, क्यू कितना है बाबू 6, आर कितना है बाबू 3, क्या निकालना बाबू एस, एस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ, क्रॉस करना पड़ता है या दूसरे एक बार में दूसरे 3 बार में, एस को 1 से एस, 3 3 9 9 ओम,
ये कितना ओम होगा? 9 ओम। क्लियर? इसको हम ट्रिकी वे में भी सीखेंगे हम लोग। देखो ट्रिकी वे में क्या है, ये 2 ओम है और ये 6 ओम है, कितना गुना है? 3 गुना। तो 3 का 3 गुना करो तो 9 ओम, ऐसे आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ नहीं बाबू, वेट स्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन ये प्रूफ करने के लिए देता है, तो प्रूफ करने के लिए सर जितना बताए प्रूफ कर देना और मेरे से उसको न्यूमेरिकल बना लेना। देखो बाबू, सपोज करो ये जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है पी, ये है आपका दिया हुआ 4 ओम, और जो क्यूब है ये दिया हुआ है 12 ओम। ये रेसिस्टेंस बाबू दिया हुआ है 12 ओम, और ये जो रेसिस्टेंस है सपोज करो दिया हुआ 6 ओम। तो इसका रेसिस्टेंस बताओ, ये जो एस नाम का ये जो रेसिस्टेंस है ये कितना ओम का होगा? तो ओरली बता सकते हो ना इसको बाबू, जल्दी बता दो। ये 4 का 3 गुना है 12, तो 6 का 3 गुना कितना होगा? 18 ओम। इसका आंसर होगा 18 ओम, बना लेना। अब कोई बच्चा बोला सर बार बार ऐसे गायब रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है यही गायब कर दे आर, और इसका वैल्यू दे दे सपोज करो 15 ओम। हमको ये वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू बताना है, कैसे बताओगे? सेम लिखना, वेट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या जानते हैं, पी बाय क्यू बराबर आर बाई एस। पी कितना है? 4। क्यू कितना है? 12। आर कितना है नहीं मालूम, एस कितना है? 15। इसको क्रॉस कर दो, 2 से 2 बार में 2 से 6 बार में, तो कितना होगा बाबू जल्दी बताओ? अरे 4 से काटो ना यार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ज़्यादा तेज है तो 3 से 15 ऐसे भी काट सकते हो, 3 बजे 15। तो R को 1 से गुना R, 5 को 1 से गुना 5, तो आंसर हो गया 5 ओम, आंसर आ गया 5 ओम। तो ये जो R नाम का रेसिस्टेंस है वो कितना होगा? तो 5 ओम होगा। बात समझ में आ रहा? एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी 4 में बाबू एक को गायब कर देगा और आपको दूसरा रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, ट्रिकी में भी कर सकते हैं बाबू। 4 का 12 के गुना है? 3 गुना है, तो यहाँ कितना होगा कि यहाँ 15 होगा, तो 5 का 15 3 गुना। आ रहा बात समझ में? तो 4 में कोई भी एक दे देगा, एक निकालने देगा और 3 को आपको वैल्यू देगा बाबू वेट स्टोन ब्रिज से। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने दे देता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब दे देगा सपोज करो ये 2 ओम, ये दे देगा 2 ओम, ये भी दे दिया 2 ओम, ये भी दे दिया 2 ओम, और बोलेगा बताओ ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा सर्किट का। बीच में भी यहां पर 2 ओम ऐसा लिख देगा बाबू, ठीक है। तो वेट स्टोन ब्रिज में तो आप इतना बात समझ में आया कि बीच का ये जो 2 ओम है इसका कोई वैल्यू नहीं है वेट स्टोन ब्रिज में, इससे तो करंट पास ही नहीं होता है। तो इसका आप टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? तो देखो तो बाबू ये सीरीज में है, तो 2 और 2 4 ओम, ये भी सीरीज में है 2 और 2 4 ओम, और ये दोनों आपस में कैसा है बाबू? पैरेलल में, तो ऊपर 4 ओम, ऊपर डायरेक्टली ये दोनों को कनेक्ट करके आप बना दो 4 ओम, ठीक है। उसके बाद नीचे ये 2 2 4 ओम, नीचे क्या कर दो बाबू? नीचे भी कर दो 4 ओम, ठीक है। और ये दोनों को सॉल्व करने आता है आपको पैरेलल से, ऊपर गुना नीचे जोड़, 4 4 गुना कर दो, नीचे जोड़ दो, कितना है बाबू? 2 ओम आंसर। क्लियर? तो इसका अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोलेगा तो देखो कितना आया 2 ओम, और ये यूपी पॉलिटेक्निक का परीक्षा में आया हुआ बाबू ये क्वेश्चन। एक एग्जांपल और देख लो, सपोज करो ऐसा दिया हुआ है 4 ओम, यहां दिया हुआ 4 ओम, ये भी दिया हुआ 4 ओम, ये भी दिया हुआ 4 ओम, ये भी दिया हुआ 4 ओम, और ये बीच में आपको कुछ चेंज भी कर सकता, मान लो 5 ओम दे दिया, तो आप तो समझ गए कि ये बीच वाला का कोई वैल्यू है नहीं, वेट स्टोन ब्रिज में बीच वाला का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब ये चारों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो ऊपर वाला सीरीज में बाबू इसका तो हटा ही सकते हो आप, ऊपर वाला सीरीज है 4 4 8 ओम, ऊपर वाला सीरीज ये भी 4 4 8 ओम, तो 8 ओम
एगो और आठम एक और, आठम दो गो है बाबू, ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है, तो इसको जोड़ दो। कैसे करेगा, ऊपर गुना नीचे जोड़, कितना ओम आया बाबू, चार ओम आ गया आंसर। क्लियर, तो इसका मैं आपको दो गो क्वेश्चन दे दे रहा हूं, उसका जवाब आप कमेंट में दोगे। दो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है दो एग्जाम्पल दे दे रहे बाबू, पहला क्वेश्चन है चलिए जल्दी से दो गो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं होमवर्क आप लोगों को। देखो बाबू, सपोज करो दिया हुआ है आठ ओम, चारों बाबू आठ ओम है, चारों आपको आठ ओम दिया हुआ है, बीच में भी आठ ओम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बाबू, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस भी बोल सकता है कि इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, आठ ओम का इसमें पांचों रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आपको टोटल इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू कि इसमें जो है एक दिया हुआ आठ ओम, एक दे दे रहे हैं यहां पर रेसिस्टेंस 16 ओम, ये दे दे रहे हैं आपका 5 ओम, और ये आपको गायब कर दिए, एस आपका निकालना है। बोलो ये चौथा नंबर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, एस नाम का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा। क्लियर, तो दो क्वेश्चन दे दिए, एक टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए और एक आपको एक रेसिस्टेंस गायब कर दिए उसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर, चलिए इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से अपना प्यार अपना सपोर्ट करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।